पिंजौर स्थित भीमा देवी व शिव शक्ति कॉलोनी में गत दिनों जन स्वास्थ्य विभाग के निजी ठेकेदार द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने के बाद गलियों की मरम्मत न करने को लेकर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस गंभीर समस्या को लेकर अश्विनी बजाज एक्स सेक्रेटरी लीगल एंड ह्यूमन राइट प्रदेश कांग्रेस कमेटी लालचंद लाली, नानक चंद, नारायण स्वरूप, नरेंद्र सिंह, गुरमेल सिंह नंबरदार ने बताया कि विभाग के ठेकेदार द्वारा भीमा देवी व शिव शक्ति कॉलोनी की गलियों को सीवरेज लाइन बिछाने के लिए उखाड़ दिया गया, परंतु लाइन बिछाने के बाद गलियों की मरम्मत नहीं की गई और जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार लिखित रूप में SDM कालका नगर परिषद कार्यालय के उच्च अधिकारियों को भी दी है, परंतु उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। अश्विनी बजाज ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन व सरकार लोगों की इन समस्याओं को लेकर आंख मूंद कर बैठी है। लोगों ने बताया कि शिव शक्ति कॉलोनी का एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि भीमा देवी कॉलोनी से होकर मेन बाजार पिंजौर अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में जाकर निकलता है, इसलिए बच्चे, बुजुर्ग और पैदल जाने वाले लोग इस मार्ग का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, परंतु इन गलियों की बुरी हालत को लेकर यहां से गुजरना मुश्किल हो रखा है और बूढ़े बुजुर्ग लोग व बच्चे कई बार टूटी फूटी गलियों में गुजरते हुए गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं और यदि बरसात हो जाए तो यहाँ पर रास्ता ही बंद हो जाता है और गंदगी का आलम बन जाता है, क्योंकि सीवरेज पाइपलाइन बिछाने को लेकर नालियाँ भी पूरी तरह टूट गई हैं, जिसको लेकर गंदा पानी रास्ते में ही खड़ा रहता है और नालियाँ टूटने के कारण घरों का गंदा पानी भी वहीं रुक जाता है। नालियों के साथ लगते मकानों की नींव भी गंदा पानी रिसने के कारण कमज़ोर हो रही हैं और रुके हुए गंदे पानी में कीड़े व मच्छर भिनभिनाते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में हर समय किसी भयंकर बीमारी के फैलने का भय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वह सरकार को हर तरह से टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस हों, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हों, परंतु फिर भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अश्विनी बजाज ने बताया कि जब सब जगह शिकायत करने के बाद उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो वह यह समस्या लेकर कांग्रेस नेत्री व समाज सेविका पवन कुमारी शर्मा के पास पहुंचे और उन्होंने इस समस्या को उनके संज्ञान में लाया गया और उनसे इसका समाधान कराने का आग्रह किया है। इस समस्या को लेकर पवन कुमारी शर्मा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वह जल्द ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या का समाधान करवाएंगी। इस संदर्भ में नगर परिषद कालका की ईओ निशा शर्मा ने बताया कि वह परिषद के कर्मियों के साथ मौके पर जाकर इस समस्या को लेकर सर्वे करेंगी, परंतु जन स्वास्थ्य विभाग ने यदि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए गलियां उखाड़ी हैं तो मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, क्योंकि कनेक्शन देते वक्त वह लोगों से रोड कट फीस के रूप में चार्ज करते हैं और यदि विभाग द्वारा नालियां तोड़ी गई हैं तो परिषद द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अश्विनी बजाज, एक्स सेक्रेटरी लीगल एंड ह्यूमन राइट हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कहाँ रहते हो आप? शिव शक्ति कॉलोनी में रहता हूँ। ये इस हालत आप देख ही रहे हैं, करीबन 2 साल से ये हालत ऐसे ही चल रहे हैं। इसके बारे में SDM मिस्टर राकेश संधू को भी अवगत करवाया गया, उसके बाद SDO मलिक, JE एंड निशा शर्मा, बट इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। ये रास्ता एक रास्ता है जो शॉर्टकट शिव शक्ति कॉलोनी से मार्केट की तरफ जाता है, इस पर बुजुर्ग बच्चे यहाँ से जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता है। बार बार कहने के बाद भी इसकी रिटर्न में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन दी गई, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार जैसे लगा सरकार नाम की चीज़ नहीं है, सो रही है, कोई भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, जबकि निवासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है इससे। हमने ये मैटर जो है पवन कुमारी जी हैं उनके संज्ञान में आज सुबह लाया गया, क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो क्योंकि भींगे स्पोक पर्सन जो कांग्रेस के वो लीडर हैं, तो भींगे लीडर उनके संज्ञान में भी आज लाया गया मैटर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ठीक है, मैं बात करती हूँ इस बारे में और जल्दी ही एक्शन ले लिया जाएगा, बट प्रशासन की तरफ से जो रवैया है ना वो बिल्कुल नकारात्मक है और मैडम ने इसको जरूर इमीडिएट एक्शन लेते हुए उसको कहा भी मैं इसको मैटर को टेकअप करती हूँ।